मेरी आटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन ना हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो। बेरुख सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो। मेरी पहली मोहब्बत हेलो एवरीवन, आज हम हार्टबीट स्टाइल गिटार सीखेंगे। हार्टबीट स्टाइल गिटार पैटर्न कैसे बजाते हैं, तो जैसा कि आपने सॉन्ग में देखा वो एक पैटर्न था, इसके कई पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि और इस तरीके से एक पैटर्न कवर करेंगे जो काफ़ी सिंपल वे में मैं बताऊंगा आपको, और उसका बेसिक मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो उस तरीके से गिटार प्ले करने के लिए पहले आपको अपने हाथ के इस पार्ट का यूज़ करना होता है, ठीक है, बीट देने के लिए। इस पार्ट के से आप यहाँ पे हिट करोगे, ठीक, ऐसे 1 2 3 4 रिदम में 1 2 3। ये हो गया, ठीक है। तो बीट के साथ हमें स्ट्रम करना है, स्ट्रम ये स्ट्रम होता है, तो बीट के साथ हमें स्ट्रम करना है। इससे प्रैक्टिस करिए, ये समझ में आ गया आपको, होप सो ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो जो मैं पैटर्न बजा रहा था उसका एक तरीका है, उसका आपको इस तरह से बोल कर प्रैक्टिस करना है, बीट स्ट्रम बीट स्ट्रम बीट स्ट्रम स्ट्रम बीट स्ट्रम। पहले आप डाउन ही स्ट्रम करोगे, ठीक है, पहले सीखने के लिए डाउन ही स्ट्रम करो सिर्फ। तो बीट स्ट्रम बीट स्ट्रम बीट स्ट्रम स्ट्रम बीट स्ट्रम। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। बीट देना है स्ट्रम बीट स्ट्रम बीट स्ट्रम स्ट्रम बीट स्ट्रम। पहले आप ये डाउन पोजीशन पे ही तैयार करो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो सॉन्ग मैंने से पहली मोहब्बत, इस पैटर्न पे आप बहुत से सॉन्ग बजा सकते हो, यही बेनिफिट है हार्टबीट स्टाइल सीखने का। इस पैटर्न पे आप बहुत से सॉन्ग प्ले कर सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस सॉन्ग को पूरा सीखने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको बीट के साथ बीट प्लस स्ट्रम साथ में देना है उस सॉन्ग के पैटर्न सीखने के लिए, ठीक है। इस पैटर्न को बेसिक मैंने बता दिया आपको, बेसिक कैसे करना है, ठीक। अब आपको जो पहली मोहब्बत इस पैटर्न में मैंने बजाया है उस पैटर्न को सीखने के लिए बीट के साथ स्ट्रम देना है सेम, ठीक। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये सेकंड इज अप करना है, ठीक है, अप स्ट्रम करना है। तो बीट के साथ डाउन स्ट्रम देन अप स्ट्रम, ओके। फिर से सेम, दोबारा भी हम यही करेंगे। तो क्या बना, एक बार आपको बीट के साथ स्ट्रम देना है, फिर अप करना है, फिर सिर्फ बीट देना है, फिर अप करना है। तो सॉरी, बीट के साथ स्ट्रम करना है अप, फिर बीट के साथ स्ट्रम करना है फिर अप, ठीक, इतना करना है पहले, ठीक है।
फिर जो मैंने बताया था स्ट्रम स्ट्रम दो बार, तो बीट दिया फिर दो बार अप, बीट दिया दो बार अप, तो दो बार किया, फिर एक बार फिर से बीट, फिर अप। तो क्या पूरा बार बना, आपने बीट स्ट्रम किया फिर अप स्ट्रमिंग की, फिर बीट स्ट्रम किया फिर अप स्ट्रमिंग की, फिर बीट स्ट्रम किया फिर दो बार अप किया स्ट्रम, फिर बीट स्ट्रम किया फिर अप किया, ठीक। तो मैं स्लो बजा के दिखाता हूं आपको, आपका फर्स्ट पैटर्न था। तो होप सो आपको ये समझ में आया हो, बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया है, और इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल आएगा, और मैंने बहुत ही इजीएस्ट वे में बताया है। तो अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो गिटार सीखने में इंटरेस्टेड है और जिनको गिटार की नॉलेज है उनको। और अगर आपको पहली मोहब्बत के कॉर्ड के बारे में मैंने जो यूज़ किया है वो जानना है, तो मैंने यूज़ किया है जी मेजर कॉर्ड यूज़ किया है, फिर सी एड नाइन, ये C#9 है, जी मेजर से दो आप हाथ नीचे आओगे C#9, फिर इसी शेप में ई माइनर पकड़ना है, ठीक है, इसी शेप में ई माइनर, देन डी मेजर, ये चार कॉर्ड में सॉन्ग बजा हुआ है। तो एंजॉय करिए लेसन को, और प्लीज इसको शेयर कीजिए सबसे, और इस पैटर्न पे आप बहुत से सॉन्ग बजा सकते हो। इसके लिए मैं अलग लेसन बना दूंगा कि आप कैसे कैसे सॉन्ग पैटर्न पे प्ले कर सकते हो। और नेक्स्ट हार्टबीट पैटर्न सीखने के लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके पे भी लेसन बना दूंगा, ठीक है, बाय।